नीट एग्जाम में ग्रेस अंक विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने, दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई, साथ ही साथ काउंसलिंग रोकने की भी बात की गई और कहा गया कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना एनटीए का मनमाना फैसला है। स्टूडेंट्स को 718 या 719 मार्क्स देने का कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया कि मंगलवार को नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से कहा कि नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और असानुद्दीन अमानुल्लाह की आपको बता दें कि इनकी बेंच ने मामले की सुनवाई की और अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 8 तारीख को होगी, 8 जुलाई को। और नीट रिजल्ट पर गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और शिकायतकर्ताओं के सवाल के जवाब भी दिए। नीट रिजल्ट पर गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद से ही इस पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने 8 जून को लोकसभा को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने नीट 2024 की निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की, जिसके बाद 9 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा था कि शिक्षा माफियाओं से निपटना बेहद जरूरी है और इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए।